ये मैं भी आपको बता रहा हूँ कि इनवॉइस आप कैसे चेक करेंगे। सिंपली आप लॉग इन करेंगे अपने डैशबोर्ड पे, आएंगे इनवॉइस पे आ जाएंगे। इनवॉइस में जाके आप ये इनवॉइस पे क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से आपकी टोटल इनवॉइस की डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे जो जो आपको पैसे ट्रांसफर हो गए हैं उसके ट्रांसफर यानी कि यहाँ पे ट्रांसफर नंबर आ रहे होंगे, डेट्स आ रही होगी, डिटेल आ रही होगी, समरी टैक्स इनवॉइस समरी आपके पास आ रही होगी। अब सेल्स टैक्स इनवॉइस समरी ये होती है कि आपके टोटल चार्जेस वगैरह क्या कटे हैं और टोटल पेमेंट आपको कितनी हुई है। तो इस तरीके से आपकी उसमें पेमेंट वगैरह सब लिखी भी आ रही होगी कि टोटल शिपमेंट चार्जेस कितने हैं, जीएसटी वगैरह कितना लगा है आपका, टोटल शिपमेंट चार्जेस, इनवॉइस अमाउंट और पेमेंट अमाउंट आपकी कितनी बन रही है और टोटल इनवॉइस अमाउंट क्या आई है। और इस तरीके से नेट पेमेंट जो आपको हुई होगी इस तरीके से ये यहाँ पे लास्ट में लिखी होगी। अब आप सी एन के हिसाब से अगर चेक करना है, चाहे ट्रैकिंग नंबर के हिसाब से चेक करना है, तो आप डेट पे क्लिक करेंगे उस डेट की जिस डेट में आपको पार्ट वो नंबर में आए हुए हैं आपके जो पैसे आए हुए हैं, आप यहाँ पे ऑल कर देंगे ताकि आपके सारी डिटेल एक साथ आ रही हो इस तरीके से। अब जैसे आपके इसमें देख रहे हैं आप कि इसमें इस सी एन नंबर के चार्जेस कटे हुए हैं सिर्फ, यानी कि इसके जो आपको सी ओ डी अमाउंट है ये आपको मिल चुकी है और इसके चार्जेस जो हैं यहाँ पे शो नहीं हो रहे। इसके चार्जेस जो पिछली सी एन यानी कि पिछली इनवॉइस में आपके कट चुके होंगे, अब पिछली इनवॉइस में इस तरीके से कटे हुए होंगे। जैसे इनके इनके अभी ये वाले ट्रैकिंग नंबर जो ये पार्सल इनके अभी आए हुए हैं, इनके चार्जेस यहाँ पे कटे हुए हैं बट सी ओ डी अमाउंट अभी इनको डिलीवर नहीं हुई है। वो नेक्स्ट में सी ओ डी अमाउंट डिलीवर्ड हो जाएगी बट उसमें चार्जेस शो नहीं हो रहे होंगे और पहले इसमें चार्जेस कट हो जाएंगे। फर्स्ट टाइम अगर आप करते हैं यानी कि आपका फर्स्ट पार्सल होगा तो उसमें आपके पहले चार्जेस भी कटे हुए होंगे और आपको पैसे ट्रांसफर भी हुए होंगे आपके सी ओ डी अमाउंट के, बट इसमें ये हुआ हुआ है कि जो नेक्स्ट पार्सल आया है उसके चार्जेस कटे हुए पहले, देन उसके बाद आपके सी ओ डी अमाउंट आपको ट्रांसफर की गई है। जिस तरीके से ये ऊपर वाले इनके पहले चार्जेस कटे हुए हैं और नीचे वाले इस तरीके से आ रहे हैं इनके कुछ कुछ आप देख रहे होंगे कि इसमें आपके चार्जेस सिर्फ कटे हुए हैं बट इसमें आपकी सी ओ डी अमाउंट नहीं। तो नेक्स्ट